अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर चैनल। और ये देखें, जो हमारी आज की वीडियो है वो मैं आज आपको फसलों की सैर कराता हूँ। ये देखें मैंने क्या क्या उगाया हुआ है। ये देखें सबसे पहले लहसुन, ये देखें माशाल्लाह इतना लहसुन हो गया इसके अंदर। थोड़ी सी ये देखें जड़ी बूटी भी है जिसको गंद कहते हैं। ये देखें ये जड़ी बूटी छोटी छोटी, इसको ख़त्म करना है इसको। अभी ये जो ज़मीन है नीचे से वो गीली है, एक दो दिन के अंदर ये खुश्क हो जाएगी, फिर हमने इसको उखाड़ देना है, इसको ख़त्म कर देना है। ये देखें छोटी छोटी जड़ी बूटी, इसको ख़त्म करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये हमारा लहसुन है, ये देखें ये लहसुन है, ये देखें ये लहसुन के साथ हमने ये देखें ये मेथरे लगाए हुए हैं। ये माशाल्लाह इतने इतने हो गए हैं। ये देखें ये हमारे मेथरे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये हमारे मेथरे हैं। और ये देखें ये साथ हमने मूलियाँ लगाई हुई हैं। ये देखें अभी मूलियाँ छोटी छोटी हैं, इसके अंदर भी नहीं बनी, बस पत्ते जो बाहर है वो बड़े बड़े हो गए थोड़े से। ये देखें ये हमारी मूलियाँ हैं। और ये देखें जो मूलियाँ के साथ है वो है धनिया। ये देखें माशाल्लाह ये हमारा धनिया है। ये देखें हमने धनिया भी लगाया हुआ है। और ये देखें जो धनिया के साथ है वो है पालक। ये देखें ये पालक भी अभी छोटी है। ये देखें ये पालक है, ठीक है। ये देखें ये पालक है। और जो पालक के साथ फिर हमने मेथरे लगाए हुए हैं। ये देखें ये हमने क्यारी की बना, ये देखें इसके साथ साथ ये देखें ये भी लगे हुए हैं मेथरे वाट के ऊपर भी। ये देखें ये हमने छोटी सी क्यारी बनाई, जो क्यारी के साथ जो वाटा है इसके ऊपर भी लगाए हुए हैं। ये देखें ये क्यारी के अंदर भी इतने इतने माशाल्लाह हो गए हैं। ये देखें ये इस तरफ भी हमने मूलियाँ लगाई हुई हैं। ये देखें ये भी मूलियाँ हैं, अभी मूलियाँ छोटी हैं, इसके अंदर नीचे से नहीं बनी, ऊपर से बस पत्ते बड़े बड़े हुए हैं थोड़े से। ये भी कुछ अरसा लेती है, कुछ अरसे के बाद तकरीबन ये 15-20 दिन के बाद ये बनशना काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। ये देखें ये मूलियाँ हैं, ये देखें ये मूलियाँ, ये सारी मूलियाँ। ये देखें ये फिर आगे ये एक तरफ धनिया है। ये देखें ये धनिया है, और ये धनिया के साथ ये है मेथरे। और ये देखें ये इसको वो जो छोटी छोटी जड़ी बूटी सी वो इसके अंदर से ख़त्म की हुई है। ये देखें इसको ये देखें वो ख़त्म करके इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ डाला हुआ है ताकि ये इसके से जो ज़मीन है वो नरम होती है। ये देखें ये ज़मीन जो नरम होने के साथ आगे फिर ये लहसुन है ये मोटा होता है। ये देखें जो इस तरफ मुझे लगा हुआ है, ये देखें ये है ये पट्ठे हैं, ठीक है। ये चारा है उसका, अपना काव का चारा है, इसको शरदाला कहते हैं। ये देखें जो इसके अंदर जो होता है वो होता है देसी सरों। ये देखें ये देसी सरों भी है, और ये देखें देसी इसको तोरिया कहते हैं, जिसको कहते हैं देसी साग है। वो देखें जो पालक पीछे पालक थी, ये देखें पालक के साथ साथ हमने देसी तोरिया भी लगाया हुआ है ताकि साग भी, ये दोनों चीज़ें यहाँ से देखें इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है। ये देखें एक ये लगा हुआ है। ये देखें जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये है तोरिया, ये तोरिया का साग है, जो देसी प्योर खालस साग होता है वो ये है। देखें इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखें ये इसके बाद ये लगा हुआ है। ये देखें ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसके अंदर से वो हमने तोड़ना है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर देसी खालस जो साग है वो लगा हुआ है। ये देखें उधर से पालक तोड़ें, यहाँ से साग तोड़ें, है क्या मज़े हैं फिर। ये देखें इसके अंदर माशाल्लाह ये तोरिया ही भरा हुआ है, ये सारा तोरिया ही तोरिया है, ठीक है दोस्तों। या बस आज की जो हमारी वीडियो थी ये थी, ठीक हो गया। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट में जवाब दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।